हमारे ओटीसी मतलब ओरिजिनल ट्राइबल चीफ को किसी की मदद की जरूरत है। अब ये बात मैं खुद नहीं कर रहा हूँ, ये बात खुद रोमन रेंज और उनके सबसे अच्छे भाई जिमी उसो बोले हैं। क्या कहना है हमारे जिमी उसो को इसके ऊपर और कौन आने वाला रोमन रेंज को हेल्प करने के लिए, यही टॉपिक को आज इस वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसलिए सारे लोग वीडियो को एंड तक देखना और चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। तो हां जी मित्रों, मैं अमित आनंद और वाचिंग X7 मून। अब देखो बैड ब्लड के अंदर रोमन रेंज का सामना होता है सोलो सिकुआ से। अब देखो वहाँ पे रोमन रेंज अकेले थे एंड सोलो सिकुआ अपने पूरे बंदे लोग के साथ थे वहाँ पे, लेकिन वो तो हमारे जिमी उसो रोमन रेंज की मदद करने के लिए आ जाते हैं। अब जिमी उसो की वजह से रोमन रेंज इस मैच को जीत जाते हैं एंड सोलो सिकुआ को हरा देते हैं। एंड उसके बाद जो स्मैक होता है उसके ऊपर रोमन रेंज एंड जिमी उसो दोनों साथ में आते हैं। जिमी उसो बोलना स्टार्ट करते हैं रोमन रेंज से। जिमी उसो बोलते हैं, देखो रोमन, मैं तुम्हें एक नॉलेज करता हूँ, मेरे फैमिली में एक मात्र ऐसा सुपर स्टार मैं हूँ जो तुम्हें एक नॉलेज कर रहा हूँ एज अ ट्राइबल चीफ। अब देखो रोमन, मैं तुम्हें हमेशा से स्वीकार करते हूँ एज ए ट्राइबल चीफ, लेकिन हमारे पास अभी कोई बंदा नहीं जो कि सोलो सिकुआ के ब्लड लाइन से भिड़े। मतलब कि यहाँ पे जिमी उसो रोमन रेंज से बोलते हैं कि हमें किसी की मदद की जरूरत चाहिए जिससे हम लोग ब्लड लाइन को हरा देंगे। अब जैसे ही जिमी उसो ये बात बोलते हैं तो जितने भी वहाँ पे ऑडियंस थे वो बस ईट ईट का नाम ले रही थी, मतलब वो जे उसो को देखना चाहती है। मतलब कि वहाँ पे जितने भी ऑडियंस थे वो यही चाहते थे कि रोमन रेंज, जिमी उसो एंड जे उसो मतलब एक जैसे पुराना ब्लड लाइन था वो ऐसे ही बने, लेकिन वहाँ पे रोमन रेंज डायरेक्ट बोलते हैं नो ईट, मतलब वो साफ साफ मना कर देते हैं। अब देखो बहुत सारे लोग को लग रहा है कि हाँ जे उसो आएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। मतलब इतने साल के बाद इवन मतलब जो जे उसो का पूरा कैरियर उसमें पहली बार वो आईसी चैंपियनशिप बेल्ट जीते हैं एंड फिर वो किसी का पार्ट बनेंगे, किसी टैग टीम का पार्ट बनेंगे, तो मतलब समझ। अब जे उसो एक इंटरव्यू में साफ साफ बोल चुके हैं कि वो टैग टीम डिवीजन में मतलब नहीं जाने वाले हैं, वो करंट टाइम में अपने कैरियर को सिंगल रन करना चाहते हैं। अब तुम लोग को पता होगा जे उसो बेबी फेस बहुत अच्छे काम कर रहे हैं रॉक के एपिसोड पे। अब जितने भी ऑडियंस है वो जे उसो को बहुत ज्यादा एंजॉय कर रही है एंड जे उसो का सिंगल कैरियर मतलब बहुत ज्यादा अच्छा चल रहा है। तो ये बात तुम लोग जान लो, जितने भी लोग को लग रहा है जे उसो रोमन रेंज को हेल्प करने के लिए आएंगे तो अभी के हिसाब से ये नहीं होने वाला है। हाँ वो बात अलग है आगे जाके इसका स्टोरी लाइन बनने वाला है, लेकिन अभी के हिसाब से रोमन रेंज का कौन ऐसा साथी हो सकता है जो कि रोमन रेंज को बचाने के लिए ब्लड लाइन से आएगा। अब देखो कुछ दिन पहले सोलो सिकुआ वर्सेस जिमी उसो का मैच होता है जिसमें सिर्फ जिमी उसो हार जाते हैं। अब तुम ही सोचो यार, एक बंदा कितना ही काम करेगा मतलब उतने पूरे ब्लड लाइन के अंदर। सोलो सिकुआ की जितनी ब्लड लाइन थी मतलब वो अटैक करने लग जाती है जिमी उसो पर, जिसके वजह से मतलब वो मैच हार जाते हैं। अब देखो मैच हारने के बाद जिमी उसो को सब बंदे लोग मान जाते हैं, सोलो सिकुआ भी मान जाते हैं जिमी उसो को। तभी बचाने के लिए हमारे ओटीसी ओरिजिनल ट्राइबल चीफ आते हैं, लेकिन उस समय ओरिजिनल ट्राइबल चीफ की भी ऐसी की तैसी हो जाती है, क्योंकि दो बंदा पांच बंदे पे ऐसे की तैसी नहीं कर सकता। मतलब वहां पे जिमी उसो के साथ रोमन रेंज की भी लूली कट जाती है। अब जितने भी मतलब ब्लड लाइन थे वो रोमन रेंज जो जिमी उसो को मार के वहां से भाग जाते हैं एंड फिर वहां पे अगेन जिमी उसो रोमन रेंज को समझाने की कोशिश करते हैं कि हम लोग दो बंदे इसको नहीं खत्म कर सकते हैं, हमें बंदे की जरूरत है जिससे हम लोग मतलब अपनी एक ब्लड लाइन बनाए जिसके बाद हम इस ब्लड लाइन का खात्मा कर सकते हैं। लेकिन सवाल अभी भी यही है कि रोमन रेंज की मदद के लिए आएगा कौन, क्या वो जे उसो ही होंगे? अब देखो बहुत सारे लोग रहते हैं कोडी रोड्स आएंगे, लेकिन कोडी रोड्स का अलग स्टोरी चल रहा है, कभी केविन के साथ चल रहा है उनका कभी स्टोरी, कभी उनका गुंथर के साथ चल रहा है स्टोरी। बहुत कम चांस है कि कोडी रोड्स रोमन रेंज की मदद करने के लिए आएंगे। और वीडियो का स्टार्टिंग में बताया कि भाई जे उसो अभी नहीं आ सकते, वो सिंगल कैरियर मतलब रेसलिंग का चला रहे हैं। तो देखो यहाँ पे शायद से हमें कुछ समोन फैमिली का न्यू रेसलर देखने को मिल सकता है, फिर चाहे वो हीकोली हो या फिर जिला फाटू हो, मतलब रोमन रेंज के मदद के लिए कोई समोन फैमिली का ही न्यू रेसलर हमें देखने को मिलने वाला है। लेकिन अगर WWE चाहे तो रोमन रेंज के लिए एंड उनके फैन के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज रख सकता है, वो होगा हमारे डीनेम रोज क्रिएटर, मतलब डीनेम रोज आके रोमन रेंज की छोटी सी हेल्प करके फिर वो वापस चले जाएंगे। अब देखो ये नाम मुमकिन है कि ये होने वाला है, अब क्योंकि भाई डीनेम रोज का अलग ही AEW कंपनी के अंदर उनका कॉन्ट्रैक्ट है, तो WWE के अंदर कैसे वो आ सकते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग लग रहा था, इसलिए मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा। बाकी यही था इस वाले वीडियो में, आपको वीडियो पसंद तो लाइक करो सब्सक्राइब करो। बाकी मैं मिलता हूं तुम लोग अगले वाले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।